આસામના મુખ્યમંત્રી હિંમત બિસ્વા શર્માએ આતંકી હુમલા મુદ્દે આપેલા નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા બીએસપી પાર્ટીના સાંસદ દાનિશ અલીએ જણાવ્યું કે ભારતની સેના એટલી સક્ષમ છે કે વર્ષ 1971માં જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી કે હિંમત બિસ્વા શર્મા કોઈ બંધારણીય પદ પર નહોતા ત્યારે પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કરી દીધા હતા અને બાંગ્લાદેશને આઝાદ કરવામાં મદદ કરી હતી। સંસદ પર આતંકી હુમલો તો ભાજપની સરકારના શાસનમાં વર્ષ 2004માં થયો હતો। तेलंगाणा विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे नागरकर्नूल जिल्ला ना अजमपेट शहर में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं वच्चे घर्षण बनाव बन्यो। पुलिस जणाव्युं कि शासक पक्ष धारासभ्य गुवाला बालराजू अथडामण दरमियान इजाग्रस्त थया छे। बनाव बाद तेमने सारवार माटे हैदराबाद की होस्पिटल खसेड़वामां आव्या। कांग्रेस नेताओं ने शंका थी कि धारासभ्य मतदारों ने पैसा वहेंची रहा छे। त्रिपुरा पुलिसे गैरकायदेसर रीते प्रवेश करनार 14 बांग्लादेशीओनी धरपकड़ करी छे। त्रिपुरा पुलिसे अधिकारीओने जणाव्युं कि आ तमाम आरोपीओए गैरकायदेसर रीते भारत में प्रवेश कर्यो हतो। चार दिवस पहला एनआईए मानव तस्करीने लगता मामला में देशव्यापी दरोड़ाना भागरूपे आसाम अने त्रिपुरामां ओछामां ओछा 25 लोकोनी धरपकड़ करी। पुलिसे जणाव्युं कि आ बांग्लादेशी लोको नौकरीनी शोधमां बेंगलुरु जवाना प्रयासमां हता। तमामनी तपास चाली रही छे। दिवाळीना दिवसे भारतीय शेर बजार में सारा संकेत जोवा मळ्या। मुहूर्त ट्रेंडिंग दरमियान बजार तेजी साथे खुल्यो। सेंसेक्स 345.23 अंकना उछाळा साथे 65,249.91 नी आसपास खुल्यो तो निफ्टी पण 19,500 ऊपर खुल्यो। तमाम सेक्टर ग्रीन जोन में बंद थया। मुहूर्त ट्रेंडिंग ना कारोबारी सत्र में दिग्गज शेरोनी साथे नाना शेरोमां पण जोरदार तेजी जोवा मळी। बेंकिंग शेरोमां पण तेजी जोवाई। दर वर्षनी जेम वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए आ वर्षे पण दिवाळीनी उजवणी सरहद पर देशना जवानों साथे करी। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश पहोंच्या अने सरहदी विस्तारमां लेपचामां पीएम मोदीए सुरक्षा दळना जवानों साथे मुलाकात करी। पीएम मोदीए ट्वीट कर्युं हतुं के आपणे आपणा बहादुर सुरक्षा दळना जवानों छे तेमनी साथे दिवाळीनी उजवणी मनावा माटे हिमाचल प्रदेशना लेपचामां हुं आजे पहोंच्यो छुं। देशभर में दिवाळी पर्व की उजवणी थई रही है। लोको एकबीजाने त्यां मिठाई अने भेट मोकले छे परंतु सरहद पर जवानो देशनी सुरक्षा करी रह्या छे। भारतीय सेनाना जवानोए जम्मू अने काश्मीरमां भारे हिमवर्षा वच्चे 4000 फूटनी ऊंचाई पर एलओसी पर पेट्रोलिंग कर्युं। पेट्रोलिंग कर्या बाद जवानोए एकबीजाने मिठाई खवडावी दिवाळीनी उजवणी करी। तहेवारो वच्चे पर सैनिको देशना दुर्गम स्थळो पर तैनात छे। दिल्ली और तेनी आसपासना विस्तारों में वरसाद ने कारण प्रदूषण स्तर में आंशिक घटाड़ो नोंधायो। जो कि दिवाळी तहेवार निमित्ते प्रतिबंध होवा छता घणी जग्या पर फटाकड़ा फोड़वामां आवता एक्यूआई स्तर में फरीवार वधारो नोंधायो। दिल्ली और तेनी आसपासना क्षेत्र में एक्यूआई 220 की आसपास पहुंची गयो छे। आ स्थिति ने कारण केटलीक बीमारी साथ संकळायेला अथवा संवेदनशील लोगों ने आरोग्य ने लगती केटलीक समस्या सामनो करवो पड्यो। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति दिवसे ने दिवसे बदतर थई रही है। जो कि हाल में थयेल वरसाद ने कारण थोड़ी राहत जोवा मळी। जो कि आज 22 नवम्बरे पण हवानी गुणवत्ता खराब रही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसार आनंद विहार में एक्यूआई 266 नोंधायो ज्यारे आरकेपुरम में 241 पंजाबी बाग में 233 आईटीयू में 227 एर क्वालिटी इंडेक्स जोवा मळ्यो छे। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने अटकावा अने तेनाथी बचवा माटे केन्द्र सरकार अने दिल्ली सरकार ना आरोग्य विभागे एक एडवाइजरी बहार पाड़ी छे। केन्द्र सरकारे समग्र उत्तर भारत माटे मार्गदर्शिका जाहिर करी छे। दिल्ली सरकार ना आरोग्य विभागे राजधानी में वृद्ध लोको अने बाळकोने प्रदूषण संपर्क में ओछू आवानी सलाह आपी छे। दिवाळीना समय प्रदूषण स्तर वधारे होवाथी मॉर्निंग वॉक सहित अन्य प्रवृत्तिओ ओछी करवा ताकीद कराई छे। उत्तराखंड ना चमोली बाद फरी एक बार उत्तरकाशी में दिवाळी ना दिवसे एक दर्दनाक घटना सामे आवी छे। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माण थयेल टनल तूटी पड़ी। आ टनल में 36 थी वधु मजूरो फसाया हता। नेशनल हाईवे पर सिल्क यारा थी डांडल गांव सुधीनी नवयुग कंपनी द्वारा निर्माण थयेल टनल तूटी गई। कहेवामां आवी रह्युं छे कि सिल्कियारा तरफ
200 मीटर आगळ काटमाळ आव्यो हतो त्यानी अंदर काम करी रहेला तमाम मजूरो 800 मीटरना अंते फसायेला हता। राहत बचाव दळ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चाली रह्युं छे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बीजा तबक्का की चूंटणी खूब ज नजीक आ गई है तरह राजकीय पक्षों मतदारों ने आकर्षित करने कोई प्रयास बाकी नहीं रखवा मांगता। आ दरमियान प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महिलाओं ने लई एक महत्वपूर्ण जाहरात करी है। जो कांग्रेस प्रदेश में फरीवार सरकार बनाव तो राज्य में छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना शुरू कर आ योजना हेठ महिला खाता में दर वर्षे 15,000 रूपया सीधा तम खाता में उपलब्ध करावामां आवशे। मध्यप्रदेशना सागर जिल्लामां जाहेर सभाने संबोधित करता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाणे जणाव्युं के समग्र प्रदेशमां दर 25-30 गाम वच्चे एक सीएम राइज स्कूल बनाववामां आवशे। आ शाळामां लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास अने विद्यार्थीओने पिक अने ड्रॉप करवा माटे बस सेवा हशे। आ शाळामां विद्यार्थीओने मफत शिक्षण उपलब्ध करावामां आवशे। 11 नवेम्बर रोज मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणी माटे भाजपे पोतानुं घोषणापत्र जाहेर कर्युं छे। पार्टी आ घोषणापत्र ने संकल्प पत्र नाम आप्युं छे। मध्यप्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथे जणाव्युं के युवानो राज्यना विकास में सहभागी बनशे। प्रदेश युवानों कॉन्ट्राक्ट के कमीशन नहीं परंतु रोजगार इच्छे छे। आपणा माटे सौथी मोटो पड़कार छे। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ थी वधु युवानों बेरोजगार छे। शिवराज सिंह दर 10-11 महीनाना समयगाळा में 1 लाख भर्ती करवानी जाहेरात करे छे। परंतु हूँ तेमने कहेवा मांगू छू कि पहला सरकारी विभागों में खाली पड़ेली जग्या भरे पछी अन्य नवी नौकरीओ उपलब्ध करावानी जाहेरात करे। जेडीएस पार्टी नेता एचडी कुमारस्वामी जणाव्युं के कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी पहला कांग्रेस पार्टीए प्रचार प्रसार दरमियान प्रदेश में 5 गेरंटी की जाहरात करी जो कि वर्तमान राज्य सरकार तेने योग्य रीते लागू करवामां निष्फळ रही। कांग्रेस पार्टी मत मेळववा माटे समग्र देश में आ योजना लागू करवा मांगे छे। आ 5 गेरंटी लागू करवाना नामे पार्टी पैसा नो दुरुपयोग करी रही छे। आज दिवाळीनो शुभ अवसर छे त्यारे उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खाते भोलेनाथनी भस्म आरती करवामां आवी। जे बाद बाबा महाकाल ने हल्दी और चंदन नुं उपटन लगाववामां आव्युं अने गरम पाणी थी स्नान करवामां आव्युं। महाकाल ने सोना चांदीना आभूषणों थी श्रृंगार करवामां आव्युं जे बाद अन्नकूट अने भोग धरावी आरती करवामां आवी। तो महत्वनुं छे के बाबा महाकाल ने अति सुंदर श्रृंगार करवामां आव्यो हतो जे श्रृंगारना दर्शन करवा माटे मोटी संख्यामां भक्तो उमटी पड्या हता। कैनेडाना वडाप्रधान जस्टिन ट्रूडोए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने लेने भारत पर आरोप लगाव्यो छे। जस्टिन ट्रूडोए फरी एक बार खूब जूना आरोपों पुनरावर्तन कर्युं जे तेमणे कैनेडानी संसद में भारत पर लगाव्या हता। एक पत्रकार सवाल जवाब में जस्टिन ट्रूडोए कह्युं के शुरुआत थी ज्यारे अमने विश्वसनीय आरोपों विषे जाण थई के कैनेडानी धरती पर कैनेडियन नागरिक की हत्या में भारत सरकार नो एजेंडा सामेल छे त्यारे अमे भारतनो संपर्क कर्यो अने तेमणे आ मामले तपास में जोड़ावानुं कह्युं अने सहकार आपवा विनंती करी। इजरायलना वडाप्रधान बेन्जामिन नेतन्याहू हवे पोतानाज घरमां घेराई गया छे। हमास साथे युद्धविराम माटे सरकार पर दबाण लाबा इजरायलनी राजधानी तेल अवीवमां विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। तेमणे गाजा पट्टीमां हमासना ठेकाणा पर बेफाम बॉम्बमारो अने जमीनी हुमला माटे पोतानी सेना पण उतारी छे परंतु हवे तेमना ज देश में तेनो विरोध थई रह्यो छे। तेल अवीवना मागोर पर उतरेला लोकोए सरकार पासे मांग करी के हमास द्वारा बंधक बनावेला लोकोने शक्य तेटली वहेली तके मुक्त करावामां आवे पछी भले तेना माटे युद्ध विराम ज केम न करवू पड़े। पूर्व जेरुसलेम सहित पेलेस्टाइन क्षेत्र में इजरायली वसाहतनो मुद्दो संयुक्त राष्ट्र में पहुंच्यो अने त्यां इजरायले भारत सहित देशों झाटको आप्यो तेमज गैरकायदेसर वसाहत विरोध कर्यो अने वसाहत विरोध नो प्रस्ताव मंजूर थयो। संयुक्त राष्ट्र में रेपायेला प्रस्ताव शीर्षक पूर्व जेरुसलेम अने कब्जा हेठना सीरियन गोलान सहित कब्जा हेठना पेलेस्टाइनी क्षेत्र में इजरायली वसाहत
आ प्रस्ताव ने मंजूरी मिली और मोटी संख्या में मतदान थयुं। इजरायल माटे आ मोटो आंचको मनाई रह्यो छे। तेलंगाणा में विधानसभा चूंटणी प्रचार करने पीएम मोदी सिकंदराबाद पहुंचा था, ज्यां अनुसूचित जाति सौथी मोटा कटक में एक मदिगा समुदाय की रेली ने संबोधित करी हती और कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या। पीएम मोदी कहूं कि बीआरएस दलित विरोधी है, कांग्रेस पण दलित विरोधी है। बीआरएसे नवा बंधारण की मांग कर बाबा साहेब नु अपमान कर्यु। कांग्रेस नो इतिहास पण एवो छे, कांग्रेस ने कारण बाबा साहेब ने दायकाओ सुधी भारत रत्न आपवामां आव्यो न हतो। मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणी माटे भाजपे चूंटणी ढंढेरो जाहिर कर्यो छे। पार्टीए तेने संकल्प पत्र नाम आप्यु छे। राज्यनी प्रजाने भाजपे तेना अनेक वायदा कर्या छे, तेमां छोकरीओने ग्रेज्युएशन सुधी मफत अभ्यास सहित 20 वायदा सामेल छे। सत्तारूढ पार्टीए कौनी खरीदी 2700 रूपिया, धाननी खरीदी 3100 रूपिया प्रति क्विंटल करवानो वायदो कर्यो। चूंटणी पत्र जाहिर करता भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए कह्युं के राज्यनुं बजेट 14 गणुं वधी गयुं छे, कुल राज्य स्थानिक उत्पादन 19 गणुं वध्युं छे। अखिलेश यादवे पत्रकारों साथे बात करता कहूं कि जो केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनशे तो सौथी पहला अग्निवीर योजना बंद करवामां आवशे। उत्तर प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी वड़ा अखिलेश यादवे शनिवार पत्रकारों साथे बात करता मोटो दावो कर्यो। आ दरमियान अखिलेश यादवे डिमोनेटाइजेशन स्कीम एटले के नोटबंदी ने लईने भाजप सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। तेमणे आरोप लगाव्यो कि 15 लाख करोड़ कोर्पोरेट फ्रॉड की भरपाई करवा माटे नोटबंदी लावामां आवी हती। गईकाले एटले के 11 नवम्बरे आम आदमी पार्टी में राजीनामु आपनार युवा नेता निखिल सवाणी आज भाजप में जोड़ाया गया है। निखिल सवाणीए पोते आंगे जाहरात करी सोशियल मीडिया में तेमने लख्यू है कि आज रोज दिवाळी शुभ दिवसे गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल वरद हस्ते हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार में सामेल थयो छुं। अमदावाद में हवा प्रदूषण में सतत वधारो थई रह्यो छे, जेमां कंपनी वाहनों धुमाड़ो फटाकड़ा ने कारण हवा प्रदूषित थी। आज अमदावाद में ओवरओल 127 एक्यूआई है, तेमज नवरंगपुरा में 137, रखियाल में 185 एक्यूआई तथा चांदखेड़ा में 105 एक्यूआई रह्यो। गईकाल करता आज प्रदूषण एक्यूआई थोड़ू घट्यू छे। शहर में हवामान ठंड पत्ता साथ हवा में प्रदूषण की मात्राओं इंडेक्स 254 थयो, जे हवा खराब होवानुं दर्शावे छे। तापी जिल्लाना व्यारा खाते आवेली श्रद्धा रेसिडेंसी में धार्मिक विवाद सर्जायो छे। सोसायटी में ख्रिस्ती समुदाय द्वारा प्रार्थना सभानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जे दरमियान हिंदू समुदायना लोकोए स्थळ पर पहोंची प्रार्थना अटकावी। हिंदू समाजनो आक्षेप छे कि रेसिडेंसी विस्तार में चर्च बनावी प्रार्थना करवामां आवी रही छे। समग्र मामले हाल पोलीसे बंने पक्षना आगेवानो साथे बैठक करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। छोटाउदेपुर बोडेली में नकली कचेरी पकड़ावाना मामले तपासनो धमधमाट चाली रह्यो छे, त्यारे आ मामला में आरोपी संदीप राजपूत ने दाहोद पुलिस ने कब्जो सौंपवामां आव्यो छे अने तेने ट्रांसफर वॉरंट थी छोटाउदेपुर सब जेल थी दाहोद लई जवामां आव्यो। महत्वनुं छे के दाहोद में 6 नकली कचेरी उभी करी 18.59 करोड़ कौभांड आचरवामां आव्यो हतुं अने आ मामले अत्यार सुधी छोटाउदेपुर में 4.15 करोड़ कौभांड मामले 4 सरकारी कर्मचारीओ साथे कुल 7 आरोपी की धरपकड़ कराई छे। अमदावाद घाटलोडिया विस्तार में आवेली रत्नमणि को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने हाईकोर्टे रीडेवलपमेंट की मंजूरी आपी छे। महत्वनुं छे के 1981 में बनेली आ सोसायटी में कुल 96 जेटला मकानों आवेला छे, जे हाल जर्जरित हालत में छे। आंगे कोर्पोरेशन ने रजूआत करवा छता मंजूरी न मळता मामलो हाईकोर्ट पहोंच्यो हतो। नसवाड़ी कंकुवासन गाम में मंदिर फड़िया में ग्रामजनों पानी की समस्या ने लेने तंत्र सामे सूत्रोच्चार कर्यो। फड़िया में रहता गरीब आदिवासी ना घरे नल से जल योजना हेठ नल लगावामां तो आवे छे, परंतु एक टीपू पानी नु आवतुं नथी, जेने लईने महिलाओं गाम में हेडपंप सींचीने पानी भरवा मजबूर बनी छे। सुरेन्द्रनगर जिल्लाना रतनपुर नजीक आवेली मुख्य पाणीनी टांकी नजीक मुख्य पाणीनी पाइपलाइन में भंगाण थयुं, जेने लईने लाखो लीटर पाणीनो वेडफाड़ थयो। तहેવારોના દિવસોમાં પીવાના પાણીનો વેડફાડ થતા લોકો રોષે ભરાયા છે।
दिवाळी दिवसे राज्य सरकार एक महत्व निर्णय कर राज्य में 71 जेल कैदी है तमने दिवाळी तहेवार पर परिवार साथ मळवानी मंजूरी अपाई है और परिवार साथ दिवाळी उजवणी कर सकते। राज्य सरकारे 71 जेटला कैदीओ ने सजा में मुक्ति आपी। कैदीओ जेलवास दरमियान सारी वर्तणूक कारण 71 कैदीओ ने जेल मुक्ति अपाई है। सूरत रेलवे स्टेशन पर थयेली दुर्घटना बाद तंत्र जाग्यू छे। रेलवे विभाग द्वारा अमदावाद रेलवे स्टेशन थी बिहार सुधीनी वधारानी ट्रेन शुरू करवानो निर्णय करायो छे। आ साथे ज पश्चिम रेलवे छठ पूजाना तहेवार ने ध्यान में राखीने मुसाफरोनी सुविधा माटे अमदावाद अने कटिहार वच्चे वन वे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलावानो निर्णय कर्यो छे। सूरतमां रेलवे स्टेशन वतन जता मुसाफरो की धक्कामुक्की में एक मुसाफर ना मौत बाद पुलिस जागी है। धक्कामुक्की में मौत की घटना ने लेने जीएसटीवी की टीमें रियालिटी चेक करने पहुंची थी। ते समय त्या रेलवे अधिकारी और रेलवे पुलिस चुस्त बंदोबस्त जोवा मळ्यो। डीएसपी वेस्टर्न रेलवे वडोदरा सरोज कुमारे सूरत रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था में व्यस्त जोवा मळ्या। अमरेली बगसरा चार गामना खेडूतों ने शियाळु पियत माटे पाणी न मळता खेडूतोए पाणी छोड़वा मांग करी छे। जो कि पाणी छोड़वामां न आवता खेडूतोए केनल में रामधूम बोलावी अने पाणी आपो आपनो सूत्रोच्चार कर्या। बाबराना करियाणा माधुपुर दरेड काकरियाना खेडूतो ने पाणीनी ताती जरूरियात छे अने केनलथी पाणी छोड़वामां आवे तो खेडूतोने शियाळु पाकमां फायदो थई शके एम छे। पाकिस्तानी जेल में 80 भारतीय मछीमारों ने पाकिस्तानी जेल में मुक्त कराया है। राज्य मत्स्य विभाग असिस्टंट डिरेक्टर जिग्नेश कुमार सहित अधिकारी 10 नवम्बरे रात्र वाघा बॉर्डर खाते थी मुक्त कराये तमाम मछीमारों कब्जो मेव्य और तमाम मछीमारों ने ट्रेन द्वारा वडोदरा लावा आया। महत्व है कि आ तमाम मछीमारों ने वर्ष 2020 में पकड़वामां आव्या हता। मध्यप्रदेश खाते योजावनार विधानसभा 2023 चूंटणी ने लईने पंचमहाल जिल्लामांथी 500 जेटला होमगार्ड जवानो बंदोबस्त माटे रवाना थया छे। मध्यप्रदेशना नीमच अने मंदसौर जिल्लाना आ तमाम होमगार्ड जवानो बंदोबस्तमां जोड़ाशे। होमगार्ड जवानोने लई जवा माटे मध्यप्रदेश एसटी विभाग द्वारा 13 जेटली एसटी बसोनी व्यवस्था कराई। भावनगर में सफाई कामदार मौत की घटना 3 दिवस थया छता हजू परिवारजनों मृतदेह स्वीकार कर्यो नथी। समाज आगेवानों हॉस्पिटल पर मोटी संख्या पर पहुंची हुबाड़ो कर्यो। गत 10 नवम्बरे सेंट्रल सोल्ट ने प्री माइसिस में महानगरपालिका में कायमी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी सफाई में पहुंचा था। इस समय ड्रेनेज चेम्बर में सफाई दरमियान गूंगामण थी और कामदार मौत थी। अमदावाद मणिनगर विस्तार में आवेला स्वामीनारायण गादी संस्थान द्वारा मंदिर परिसर में मारी माटी मारो देश की थीम पर रंगोली तैयार करवामां आवी। तो जितेन्द्रिय प्रियदासजी स्वामीजी महाराज की अनुज्ञा अन्वये संत भक्त वृंद द्वारा कलात्मक भव्य रंगोली बनावामां आवी। तदुपरांत परिसर में 2100 जेटला माटीना कोड़िया में दीवा प्रज्वलित कर दिशा सूचन करती रंगोली की सजावट कराई थी। दिवाळीना पर्व पर चोपड़ा पूजन विशेष महत्व होय छे। व्यापारी चोपड़ा पूजन करी आवनारू वर्ष आर्थिक दृष्टि सारू जाय तेवी भगवान प्रार्थना करता होय छे। त्यारे अमदावादना जाणीता एवा जगन्नाथ मंदिर में पण चोपड़ा पूजन करवामां आव्युं। दिवाळीनो पर्व होवाथी भगवान जगन्नाथ ने खास शणगार पण करवामां आव्यो। तो जगन्नाथना दर्शन करवा माटे आजे मोटी संख्या में भक्तों मंदिरे उमटी पड्या हता। तो आ तरफ पाटण में व्यापारी द्वारा चोपड़ा पूजन कर व्यापारी आज चोपड़ा पूजन लक्ष्मी पूजन के शारदा पूजन कर जूना हिसाब पूरा करे नवा चोपड़ा में हिसाब किताब लखवा प्रारंभ करे। तो रंगीला राजकोट में दिवाड़ी पावन पर्व निमित्ते सामूहिक चोपड़ा पूजन आयोजन कर जाहेरना बीएपीएस अक्षर मंदिर खाते सामूहिक चोपड़ा पूजन कर जेमा मोटी संख्या में व्यापारी द्वारा चोपड़ा पूजन करायु और आ चोपड़ा पूजन साथ लैपटॉप की पूजा करवामां आवी हती। आज समग्र देश में दिवाड़ी पर्व उजवाई रो त्यारे आज आधुनिक युग में सनातन परंपरा मुजब चोपड़ा पूजन कर
આજના પાવન દિવસે બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન સાથે સંકળાયેલા કુબેરજી બિલ્ડરને ત્યાં પૂજન કરવામાં આવ્યું અને આજે કરાયેલા શારદા પૂજનમાં વેપારીઓએ નવી શરૂઆત કરી। દર વર્ષની જેમ આજે ગુરુકુળ મંદિરમાં ચોપડા પૂજન કરવામાં આવ્યું। મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓ આજે ચોપડા પૂજન સ્વામીના હસ્તે કરાવ્યું। લોકો ખૂબ હર્ષ ઉલ્લાસથી ચોપડા પૂજનની વિધિમાં જોડાયા। 100થી વધુ વેપારીઓએ આ ચોપડા પૂજનમાં ભાગ લીધો અને સ્વામીજીના આશીર્વાદ લીધા। તો યાત્રાધામ ડાકોરમાં પણ દિવાળીના દિવસે શારદા પૂજન કરવામાં આવ્યું। વેદોક્ત રીતે ચોપડાની પૂજા વિધિ સોનાની પેન તેમજ ચાંદીના શાહીના ખડિયા તેમજ ચોપડાને કંકુ ચોખા આબિલ ગુલાલ અને નૈવેદ્ય કરી કપૂર આરતીથી પરંપરાગત રીતે પૂજન કરાયું। મહત્વનું છે કે ડાકોરમાં છેલ્લા 127 વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી આવી રહી છે। દ્વારકામાં દીપાવલી અને નવા વર્ષનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે યાત્રિકોનો જમાવડો પણ જોવા મળ્યો। ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરી ભક્તોમાં પણ આનંદની લાગણી જોવા મળી। ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન સાથે નવા વર્ષની શરૂઆત કરવા ભારતભરમાંથી ખાસ ભક્તો જોડાયા। જોકે દીપાવલી પર યાત્રિકોની અવર જવર વધતા હોટલ માલિકોમાં ખુશીનો માહોલ છે।